हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, कोई भी कंपनी हो जिसमें प्रमोटर अगर बाइंग करते हैं तो मार्केट को बहुत कॉन्फिडेंस आता है और शेयर में लगातार तेजी आती है, क्योंकि जब कभी भी प्रमोटर अपना होल्डिंग बढ़ाते हैं तो मार्केट उसको पॉजिटिव लेता है कि कंपनी के प्रमोटर्स को अपने कंपनी के बारे में कॉन्फिडेंस है, इसीलिए कंपनी के प्रमोटर्स अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। इसके उल्टा होता है कि जब प्रमोटर्स ही अपना होल्डिंग कम करने जाए, लगातार सेलिंग करते जाए ओपन मार्केट में, तो मार्केट उसको नेगेटिव समझता है और ऐसे शेयर में तेजी आने के जगह मंदी आना शुरू हो जाती है। और ऐसा ही हो रहा है इस फेमस पेनी स्टॉक में, जिसमें रिजल्ट अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फिर भी शेयर में लगातार गिरावट हो रही है। और यही मार्केट ने भाप लिया है कि जब प्रमोटर ही लगातार अपना होल्डिंग कम करते जा रहे हैं, और अभी रिसेंटली अगस्त में भी प्रमोटर्स ने अपना होल्डिंग और बेचा है, जिसके कारण थोड़ा सा शेयर में नेगेटिविटी आ रही है। मतलब जब भी शेयर में जंप आता है प्राइस में, प्रमोटर तुरंत अपना होल्डिंग कम कर देते हैं, बेच देते हैं, जिसका इम्पैक्ट शेयर के प्राइस पर काफ़ी नेगेटिव होता है। जी हाँ, इस कंपनी के बारे में बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए रॉकेट शेयर या लॉन्ग टर्म के लिए मल्टीबैगर शेयर, तो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ फेमस पेनी स्टॉक मिष्ठान फूड्स लिमिटेड की, जिसमें लगातार गिरावट हो रही है। 15 रुपीज़ 20 पैसे पर शेयर पहुँच चुका है, जबकि 52 वीक हाई था 26 रुपीज़ 40 पैसा। पी इसका ओनली 4 का है और ईपीएस है 3.30 का। तो किसी के भी मन में आएगा कि इतना अंडर वैल्यूड पेनी स्टॉक है, फिर शेयर भाग क्यों नहीं रहा है? क्योंकि मार्केट देखता है कि प्रमोटर लगातार अपने होल्डिंग घटा रहे हैं। पहले प्रमोटर अपना होल्डिंग बढ़ा रहे थे जब शेयर अच्छा चल रहा था। जून 2023 में प्रमोटर का होल्डिंग था 49.82%, मार्च 2024 में वो घटकर हो गया 48.38%, और जून 2024 में और भी इसका होल्डिंग घट गया प्रमोटर का, 46.87% प्रमोटर का होल्डिंग हो चुका है। और उसके बाद भी प्रमोटर्स का सेलिंग ख़त्म नहीं हुआ है। जुलाई 2024 में, पिछले ही महीने, प्रमोटर्स ने 2,36,00,000 शेयर्स ओपन मार्केट में बेचे एट द रेट ऑफ 16 रुपीज़ 40 पैसे में, 16 रुपये 40 पैसे में। जुलाई में ही 2,36,00,000 शेयर्स बेचे, और उसके बाद भी सेलिंग रुकी नहीं है। अगस्त 2024 में, इसी महीने में, 60,00,000 शेयर्स और प्रमोटर्स ने बेचे हैं 16 रुपीज़ 80 पैसे से। मतलब देखिए, बीच में जंप आया था मिष्ठान फूड्स के शेयर में, जब भी प्रमोटर्स ने तुरंत इस तेजी का फ़ायदा लेकर 60,00,000 शेयर्स बेच दिए। तो ये फिर से अभी क्या होगा, सितंबर क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स का होल्डिंग हमें और भी घटते हुए देखने को मिलेगा। ये हो सकता है उनको कुछ पर्सनल ज़रूरत हो सकता है उनको कहीं पैसा लगाना हो, बट जब प्रमोटर्स बिना कोई रीज़न के डायरेक्ट ओपन मार्केट में सेलिंग करते हैं तो मार्केट उसको थम्स डाउन देता है, नेगेटिव समझता है, और जिसके कारण शेयर में तेजी आ नहीं रही है, जबकि फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। मिष्ठान फूड्स में फंड रेजिंग के लिए राइट इशू भी जो है जल्दी ही आने वाला है, बट फिर भी जब शेयर में से लोगों का इंटरेस्ट निकल जाता है और शेयर लगातार नीचे जाता है और प्रमोटर से खुद शेयर बेच रहे हैं, तो थोड़ा सा डाउटफुल केस हो जाता है। तो अब डिसीजन आपको लेना है। फंडामेंटल तो अच्छे हैं, रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, बट प्रमोटर्स लगातार सेलिंग कर रहे हैं, ये बात काफ़ी चिंता की है। भाई चलो ठीक है, जून क्वार्टर में प्रमोटर होल्डिंग कम था, लगा था कि अब नहीं बेचेंगे, बट जुलाई में भी बेचा है और अगस्त में रिसेंटली बेचा है प्रमोटर्स ने और होल्डिंग अपना। हितेश कुमार पटेल जो कि एमडी और चेयरमैन है, वो लगातार अपना होल्डिंग घटा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा निगेटिव फैक्टर हो जाता है मिष्ठान फूड्स के लिए। तो वो हिसाब से आपको थोड़ा सा डिसीजन लेना होगा कि शॉर्ट टर्म में तो फ्रेश एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई बड़ी पॉजिटिव अपडेट या न्यूज़ नहीं आती है, जब तक शॉर्ट टर्म में एंट्री अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप बाय करोगे शेयर और नीचे चला जाएगा तो लॉस बढ़ जाएगा, और एवरेजिंग भी अभी अवॉइड करना चाहिए। अब जो लोग ऊंचे रेट में फंसे हुए हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा पॉजिटिव अपडेट का,
या फिर अगर आपको लॉस बुक करना होगा तो पार्शियली या फुल्ली लॉस करके बुक करके भी निकल सकते हैं, डिसीजन आपको लेना है। क्योंकि पहले तो सब अच्छा था, कंपनी लगातार फंड रेजिंग कर रही थी और इथेनॉल का प्लांट भी कंपनी लगाने वाली थी, पर वो बात को हो गया अभी 2 साल, बट कुछ भी हो नहीं रहा है। अभी तक सिर्फ फंड रेजिंग ही फंड रेजिंग हो रहा है, तो अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि कंपनी सच में कुछ कर रही है या नहीं कर रही है। फिर से राइट इशू कंपनी ने डिक्लेयर किया है, उसके और डिटेल्स आएंगे ही, पर शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा अभी अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा बहुत पैसा लगाकर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो बाय करके भूल सकते हो। हो सकता है कंपनी में कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए, इथेनॉल प्लांट शुरू हो जाए तो बात अलग है, बट शॉर्ट टर्म में प्रमोटर्स इसमें लगातार सेलिंग कर रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।